वालेकुम हाँ जी दोस्तों क्या हाल है तो आज की हमारी वीडियो गर्मियों में पुदीने की केयर के बारे में है अक्सर जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है यानी मई जून के महीने में लो चलती है तो पुदीना ख़राब हो जाता है तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जिनके करने से पुदीना ज़्यादा गर्मी में भी लश्गरी रहेगा वाह पुदी आपने पॉट में लगाया हुआ हो या ज़मीन में लगाया हुआ हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें बेल बटन को दबा लें वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें अगर आपने ज़मीन में किसी क्यारी में पुदीना लगाना है तो ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ ती, तीन चार घंटे की धूप आती हो क्योंकि ये एक शेड लविंग प्लांट है ज़्यादा डायरेक्ट साइन सन लाइट इसे पसंद नहीं है इसलिए मई जून में यह ख़राब हो जाता है तो इसके लिए या तो ज़्यादा गर्मी में आपको इस पर ग्रीन नेट लगाना पड़ेगा तो या इसे ऐसी जगह पर लगाएं मसलन किसी दरख्त के नीचे या किसी दीवार के साथ जहाँ इस पर दोपहर की धूप ना पड़े जैसे मेरा ये क्यारी में पुदीना लगा हुआ है ये ऊपर इसके ये अमरूद का प्लांट है तो इस पर गर्मी गर्मियों में डायरेक्ट दोपहर की सनलाइट नहीं पड़ेगी तो आप भी किसी ऐसी जगह का इंतख्य करें जहाँ इस पर थोड़ा सा और दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े तो ये बड़ा अच्छा चलता रहेगा और साल हा साल आपको पुदीना इस्तेमाल करने के लिए मिलता रहेगा हाँ अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती तो फिर इसको कोई मसला नहीं होगा अगर आपका पदीना किसी पॉट में लगा हुआ है तो इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर दोपहर की डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा तो एक और काम आप कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप ग्रीन नेट लगा दें उससे भी छान कर धूप इसके ऊपर आएगी और आपका पदीना ख़राब नहीं होगा और सा ये पदीना साला साल चलता रहता है इसको बार बार ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे जैसे आप काटते हैं ये फैलता जाता है और वैसे भी खूबसूरत नज़र आता है ज़्यादा गर्मी में पानी का ख्याल रखें जैसे ही आपको अपने क्यारी की मिट्टी या पॉट की मिट्टी खुश्क नज़र आए तो इसे पानी दें क्योंकि गर्मियों में इसको काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गर्मी की वजह से पानी जल्द खुशक हो जाता है तो इसलिए जैसे ही इसकी मिट्टी आपको खुशक नज़र आए तो इसको फ़ौर पानी दें तो इससे आपका पदीना लश्गरी रहेगा और तरोताज़ा भी नज़र आएगा और ख़ूबसूरत भी नज़र आएगा तो सुबह शाम स्प्रे पंप से ज़्यादा गर्मी में इस पर पानी की स्प्रे भी करते रहें तो आपका पौधा गर्मियों में भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा पौधों पुदीने को काटते रहा करें इससे एक तो ये और घना हो जाएगा और वैसे भी नए नई निकलने वाली पत्तियों पर में खुशबू ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसको इसकी क्योंकि खुशबू की वजह से ही पसंद किया जाता है इसलिए जो नई पत्तियां निकलेंगी उनमें काफ़ी स्मेल होगी तो इसलिए इसको काट कर इस्तेमाल करते रहा करें और वैसे तो इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स वग़ैरह जो हैं इसके करीब काम ही आते हैं लेकिन फिर भी जब आप अपने दूसरे प्लांट्स को कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करें तो इस पर भी हल्की फुल्की स्प्रे कर दें तो इससे भी आपका पौधा जो है वो सेहतमंद रहेगा और आपको हमेशा पुदीना इस्तेमाल करने के लिए मिलता रहेगा और वैसे भी सेहतमंद होने की वजह से ये लश्गरी नज़र आएगा तो आखिर में बात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइज़र की तो इसको वैसे तो बहुत ज़्यादा किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी आप आ, महीने के बाद थोड़ी बहुत वर्मी कंपोज या कोई गली सड़ी काऊ डंग की आ, कम्पोज इसको थोड़ी बहुत डालते रहें तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा या आप कोई आ, गोबर गले सड़े गोबर को तो सौ ग्राम गोबर को दो तो तीन लीटर पानी में मिक्स कर लें और एक दिन पड़ा रहें तो अगले दिन कोई अगर आपका ये तो दस किंच के पॉट में लगा है तो इसमें एक गिलास पानी का डाल दें या क्यारी में लगा हुआ है तो कोई दो चार गिलास ये जो इतनी जगह जितनी जगह में ये मेरा पदीना है डालते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा और वैसे भी लश्करीन नज़र आएगा तो उम्मीद है इन बातों के करने से आप क्या पुदीना गर्मियों में भी ख़राब नहीं होगा और आपको अपने किचन में इस्तेमाल करने के लिए पुदीना तो मिलता रहेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में किसी नई टॉप नए टॉपिक के, के साथ आपसे बात होगी ओके जी अल्लाह हाफिज़